राष्ट्रीय सैनिक संस्था हिमाचल प्रदेश की प्रदेश इकाई की युवा विंग द्वारा नल्लगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सनातन और सैनिकों को अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नाम के नारे से शुरुआत की गई और कार्यक्रम में राजन छिब्बर ने मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि अब आगामी समय में आपकी बातचीत में बोलेंगे और बुलवाएंगे जय हिंद। कार्यक्रम में ये भी संकल्प लिया गया कि अब दुश्मन की बुराई की नहीं बल्कि आंख में आंख डालकर जवाब दिया जाएगा और अपने बच्चों को एलिमेंट्री सैनिक ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, जिसके चलते बच्चे अच्छे नागरिक भी बनेंगे और साथ में सैनिक बनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयानों पर भी जमकर हमला बोला गया और कहा गया कि अब्दुल्ला द्वारा कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। उन्होंने कहा था कि हमारे सैनिक आतंकवादियों से मिली हुई हैं और कहा था कि चीन का रूल अगर भारत में आ जाए तो अच्छा है। फारूक अब्दुल्ला के बयान हमला करते हुए कहा गया कि ऐसे लोगों को और उनकी पार्टियों का अब सार्वजनिक तौर पर बहिष्कार किया जाएगा और कहा गया कि अब बातचीत का समय बीत चुका है, अब आने वाले समय में एक्शन लेने की बात कही गई है। आज राष्ट्रीय सैनिक संस्था की हिमाचल प्रदेश की प्रदेश इकाई के युवा विंग के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उन्वान था सनातन और सैनिकों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री राजन छिब्बर जो आंध्र प्रदेश सरकार के सलाहकार हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक रहे श्री योगेश शर्मा जी। इस कार्यक्रम में नालागढ़ के और आसपास के क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश के देशभक्त नागरिक और पूर्व सैनिकों ने भाग लिया और आज इस बात का संकल्प लिया कि हम आने वाले समय में सबसे पहले तो आपसी अभिवादन में जय हिंद बोलेंगे और जय हिंद बुलवाएंगे। दूसरा, हम दुश्मन की बुराई करने की बजाय दुश्मन की आंखों में आंख डाल के और पक्के तरीके से जवाब भी देंगे। और तीसरा, जो इन्होंने आज एक संकल्प लिया कि हम अपने बच्चों को एलिमेंट्री सैनिक ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि वो बच्चा एक अच्छा नागरिक भी बन सके और एक अच्छा सैनिक बनने के लिए भी तैयार हो। पूरे पंडाल के अंदर आज जो नारा छाया रहा वो ये नारा छाया रहा कि सनातन और सैनिकों का सम्मान अब हिंदुस्तान को करना होगा और जो लोग सेना पे सवाल उठाते हैं, बाकायदा नाम लिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर का वो फारूक अब्दुल्ला, अब हम ये कह के बात नहीं करेंगे कि दूसरे विशेष समुदाय का आदमी, बाकायदा फारूक अब्दुल्ला जिसने ये कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी या जिसने ये कहा कि हमारे सैनिक आतंकियों से मिले हुए हैं या जिसने ये कहा कि चीन का अगर रूल हिंदुस्तान में आ जाए तो अच्छा है, ऐसे आदमियों का अगर आज कर्नल साहब की अध्यक्षता में जो ये राष्ट्रीय सैनिक संस्था का अधिवेशन हुआ बहुत सक्सेसफुल रहा। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि चरित्र निर्माण पे बात हुई। दूसरा, हम सब लोग एक होकर डिसिप्लिन होकर अपने इस शांति प्रिय प्रदेश के अंदर जो बाहर से कुछ लोग आके बस के यहाँ की शांति भंग करना चाहते हैं उसको रोके। वो तभी हो सकता है कि जब हम सब एक होंगे और सबको सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इवन हमारी स्त्रियों को भी एलिमेंट्री मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे काफी नागरिकों ने जो एक्स सैनिक हैं उन्होंने भाग लिया और मुझे उम्मीद है कि अगला अधिवेशन यहाँ पे और भी बड़ा होगा। आज कर्नल साहब की अध्यक्षता में जो ये राष्ट्रीय सैनिक संस्था का अधिवेशन हुआ बहुत सक्सेसफुल रहा। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि चरित्र निर्माण पे बात हुई। दूसरा, हम सब लोग एक होकर डिसिप्लिन होकर अपने इस शांति प्रिय प्रदेश के अंदर जो बाहर से कुछ लोग आके बस के यहाँ की शांति भंग करना चाहते हैं उसको रोके। वो तभी हो सकता है कि जब हम सब एक होंगे और सबको सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इवन हमारी स्त्रियों को भी एलिमेंट्री मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे काफी नागरिकों ने जो एक्स सैनिक हैं उन्होंने भाग लिया और मुझे उम्मीद है कि अगला अधिवेशन यहाँ पे और भी बड़ा होगा।
आज कर्नल साहब की अध्यक्षता में जो ये राष्ट्र सैनिक संस्था का अधिवेशन हुआ बहुत सक्सेसफुल रहा। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि चरित्र निर्माण पे बात हुई, दूसरा हम सब लोग एक होकर डिसिप्लिन होकर अपने इस शांति प्रिय प्रदेश के अंदर जो बाहर से कुछ लोग आके बस के यहाँ की शांति